हम सब कुछ दे चुके हैं, कुछ कहने काबिल नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होना है। खाली सुनते रहो, बकते रहो, देखते रहो, अत्याचार देखते रहो, कहीं कुछ नहीं पाओगे। अत्याचार योगी यूपी में राम राज, आप अत्याचार कह रहे हैं। सुन लो, तुम बहुत आदमी बता चुके हो, ठाकुर ब्राह्मणा जिस दिन देश से भाग जाएगा तो ये मर्दों का शहर हो जाएगा, इंडिया हमारा हो जाएगा। भगा कौन देगा? भगा देंगे पाकिस्तानी। जब तक सूरज चांद रहेगा तब अटल बिहारी का नाम रहेगा, बाबा रे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का। कितना पढ़े लिखे हैं हम, कहा नहीं तुम थे पढ़े कहीं नहीं थे, स्कूल में स्कूल ही नहीं नहीं कहना है काहे? अरे हमारी मजबूरी है, नहीं कहना है। मैं रोता हूँ तो मेरे यहाँ से नहीं होता, मेरा ही नहीं रहा है, फिर भी कहा था हर हर मोदी, हर हर योगी। पैसा नहीं आ रहा है, गरीबी है, फिर भी हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। क्यों क्यों वजह? हमारे दिल में है जगह, हर हर मोदी, देव चाहे देव। नेता लोग अपना एफडी तोड़ के थोड़ी दे रहा है, वो तो हम जानते नहीं किया। हम मियाँ के जूता, मियाँ के चांद, और जब मारो सब चांद है चांद। बीए पास करके ड्राइवरी क्या करोगे? तब इतनी बेरोजगारी थी, जब हमने बीए किया था तब कांग्रेस का समय था, बीजेपी नहीं थी। तीसरे दौर की वोटिंग हो रही है, 59 सीटें हैं। मैं कानपुर शहर से अब देहात की तरफ बढ़ा हूँ, ग्रामीण इलाकों में क्या है वो दिखाता हूँ। एक शानदार स्कूल मैंने देखा है, प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है। सोचिए अगर इस देश में सरकारी स्कूलें नहीं होती, अब जबकि बंद किया जा रहा, तो वोटिंग कहाँ होता? प्राइमरी स्कूल है, पेड़ पौधे लगे हैं, प्यारा स्कूल है। तो सरकारी संस्थाएँ बहुत ज़रूरी है, सरकारी स्कूल बहुत ज़रूरी है। इस देश में डेमोक्रेसी सरकारी स्कूल और सरकारी मास्टर के सहारे चल रहा है, और सरकारी पुलिस वही चुनाव कराते हैं। सरकारी स्कूल में चुनाव वोटिंग होती है, और सरकारी मास्टर साहब जो हैं वो ज़्यादातर पोलिंग एजेंट जो कर्मचारी होते हैं, तो सरकारी चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। क्या नाम है आपका? राजू सिंह। वोट डाल दिए? हाँ डाल दिए। तो क्या क्या तय किया इस बार आप लोगों ने? अब तय किया है, जो सरकार चल रही है तो राज्य सरकार अच्छी दिख रही है। तो लोग तो कह रहा है कि ठाकुर साहब लोग का बोलबाला है इस सरकार में, ठाकुर साहब लोग बस खाली उन्हीं का सब ठीक चल रहा है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। अरे ये सब कहीं नहीं कह रहा है, वो सब बराबर चल रहा है, किसी का भेदभाव है ही नहीं जात का। आप ठाकुर साहब हैं? हाँ ठाकुर। इसलिए तो आप कह रहे हैं कि योगी जी ठीक हैं? नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, यहाँ भेदभाव इस सरकार में है ही नहीं। हाँ तो क्या अच्छा लगता है योगी जी का? योगी जी का यही अच्छा लगता है कि सब कोरोना में गल्ला पानी सब गरीबों को सबको एक तरफ से बांट रहे। तो कोरोना में गल्ला पानी मतलब राशन, लोग कह रहे हैं नमक जो है वो घुलता नहीं है पानी में। अरे जो सब झूठ बात है। अरे नहीं, वो आदमी का बहुत बड़ा सहारा मिला है, ऐसी कोई बात थोड़ी है कि ऐसा कोई कैसा हो गलत सलत। हाँ तो एकदम सुबह से डटे हुए हैं, वोट ख़त्म होने के बाद ही उठेंगे? हाँ सुबह से आप डटे हुए हैं, जब वोटिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही उठेंगे? हाँ डटे भाई साहब काफ़ी देर से। आपका क्या नाम है? मेरा वीरेंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी जी तो मतलब वोट डाल दिए? वोट हाँ डाल दिया। तो मोदी जी से खुश है ना? मोदी जी तो बहुत खुश हैं। योगी जी से? योगी जी कह रहा है लोग योगी मोदी में बन नहीं रहा है। नहीं ये तो ऐसा तो नहीं सुना हमने, बनना सरकार कैसे चलती है, अगर बनती ना होती तो सरकार का। अच्छा तो योगी जी को क्या पांच काम बताइए जो आपको अच्छा लगता है? पांच काम बताएं? काम तो उनके सभी अच्छे हैं। अरे एक हाथ दो बताइए तो। अरे सबसे नंबर एक काम किया उन्होंने 370 कश्मीर से हटाई। तो प्लॉट ले लिया आप कश्मीर में? नहीं कश्मीर प्लॉट नहीं, औकाते नहीं है, हड़ाई में खरीद नहीं पाएंगे, जहाँ बैठे हैं यहीं नहीं खरीद पाएंगे। मतलब मुसलमान टाइट है तो ठीक है? अरे टाइट और क्या, देश के लिए तो मोर्चा लेने के लिए बैठे ही मोदी। इसमें देश का क्या मसला हो गया? 370 तो कश्मीर तो भारत का हिस्सा है। अरे तो भारत का हिस्सा है तभी तो हम बता रहे हैं कि इतना 1947 से चाइना घुस गया है अंदर अरुणाचल में। अरे तो घुस गया है तो उसको भी निकाल देंगे, सरकार बनी रही तो सरकार अगर बनी रही। अच्छा मनमोहन सिंह में क्या खराबी थी फिर? भैया हम ज्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं है, भैया इतना बता। त्रिपाठी ऐसे नहीं, नहीं, नहीं। हम कच्चा पांच फेल हैं, मतलब मीठा अच्छा और क्या, इतना हम बोल रहे हैं सबको लोगों के बीच में। और लोग हैं तो आप भी राशन लिए क्या 5 किलो वाला ठाकुर साहब? हाँ राशन मिला, सबको मिला। ठाकुरों को भी राशन लेना पड़ रहा है?
अरे मिल ही रहा है उनका बिल। ये तो बड़ा खराब दिन आ गया। कैसो बीघा जमीन प्लॉट है? अब जमीन है आपको के पास ज्यादा आएगा जो तीन तीन चार चार। आप ठाकुर साहब है, जमीन तो अखार होगा आपके पास। अरे अब अभी जमाना पहले की जिम्मेदारी चली गई। ठाकुरों को भी मतलब ये 5 किलो पर गुजारा करना पड़ रहा है। अब देखे भी आए पर नहीं वहाँ ज्यादा अकेले बनो रहा है। अब देखे भी आए पर गरीब गुरबा तो 5 किलो लेगा। देखे भी आए पर परिवार बढ़ा से जमीन थोड़ा बढ़ा। आपका क्या नाम है? शिव नारायण यादव। यादव जी बताइए, ठाकुर साहब चंद वो खा रहे हैं भाई? जब राशन में मिल रहा है आधार कार्ड में जो है ये भाईचारा खूब है। तो यादव जी लोग तो सपा को दे रहा है वोट। हाँ बिल्कुल, सपा को देंगे, क्यों नहीं देंगे? हाँ क्या बोला है? देखिए भाई, वोट किसी को दो, भाईचारा बना रहे हैं। ठाकुर हाँ। यादव साथ बैठे। आजकल बहुत माहौल खराब हो गया है। नहीं माहौल ठीक है, माहौल क्या आप लोग क्या लगा अखिलेश आ जाएंगे? अरे ये तो जनता चाहेगी तो अखिलेश आ जाएंगे जो है, हमारे मत से थोड़ा होगा कि केवल हम ही जीत जाएंगे जो है। हाँ लेकिन आपने अपना वोट काम कर दिया। हमने अपना साइकिल को दिया है वोट जो है। डंके की चोट, डंके की चोट पे। एक दौर था जब इस देश में वोट गिराना बहुत मुश्किल काम था, उसको बूथ लूटते बोलते थे। अब डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हुई है। टीवी अखबार आपको दिखाएगा नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज़ होती है और डेमोक्रेसी ने सबको ताकत दी है। और वो जमाना दूर था, एक दौर था इस देश में जातिवाद का कि लोग एक साथ बैठते नहीं थे। एक कहावत नहीं है कि बकरी और बाघ दोनों एक साथ बैठ के अब आराम से चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। तो यादव जी भी बैठे हुए हैं, ठाकुर साहब भी बैठे हुए हैं ठसक से। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। आपका क्या नाम है बोलिए? कोई बात नहीं है, है? अच्छा आवाज़ में दिक्कत है। अच्छा कोई नहीं है। अच्छा अच्छा अपना ख्याल रखिए। कोई नहीं, कहाँ कहाँ के वोट डाल दी? इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। डाल दिया वो। क्या नाम हुआ? रामशंकर। रामशंकर जी, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश की आ रही है। काहे? और अच्छे कार्य वो भी करेंगे योगी। योगी जी मंदिर बना दिए हैं आप लोगों को, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो 5 किलो दे रहे हैं, 10 किलो का नुकसान है इधर। 50 किलो जानवर कितना छुट्टा फिर रहा अन्ना। जानवर योगी जी छोड़ दिए हैं? अरे योगी उनकी सरकार में छूटे हैं कि नहीं छूटे? तो सांड बड़ा मुद्दा है। तब हिचकिचा कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हिचकिचा नहीं रहे हैं, जो पूछ रहे हो। अच्छा, ये सांड वाला मुद्दा है क्या? तो दिन भर रात में सांड भगाते हैं या दिन भर उसी काम में लगे रहते हैं? अरे दिन को भगाया जाए, रात्रि को भगाया जा रहे हैं। इधर इधर आओ बाबू। क्या नाम है आपका? अनुज। कौन क्लास में पढ़ते हो? 12th में। तो अभी कहे हैं योगी ये अमित शाह कि 12th करने वाले को फिर से इंटर कराएंगे और लैपटॉप देंगे। अभी तक मिला नहीं, अभी तो बोल रहे थे कि अभी लैपटॉप मिलेगा। हाँ मिला, कहाँ मिला? मंदिर बना दिए ना। तो मंदिर बना दिए, लैपटॉप तक तो होते हैं। तो मंदिर बना दिए और क्या चाहिए? अरे मंदिर तो सांड भगाने का काम आप लोग भी कर रहे हो? और का भगाव परत है, किसान आदमी भगाई ना का। ये दिल्ली में बैठ के लोग कह रहे हैं कि सांड एक बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? क्या होगा जिसकी बहुमा तो उसी का। आप किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो पसंद सभा यहाँ कर रहे हैं, जो भी सरकार। बहुत होशियारी वाली बात हो गई। ये जिसकी सरकार आएगी ये जनता की होशियारी इस बार। राशन कार्ड मिला जाए तो ना अखिलेश काटे पे है और ना योगी काटे। 5 किलो से गुजारा हो रहा है? नहीं वही मिल तो रहो फिर। एहसान थोड़ी है, आप ही के टैक्स का पैसा है। वो तो हम जानते हैं। कोई नेता लोग अपना FD तोड़ के थोड़ी दे रहा है। वो तो हम जानते हैं कि हम मियाँ के जूता मियाँ के चांद और जब मारो सब चांद है चांद। तो वो क्या है इस बार सरकार जो है उसे दे रहे नानी चोजी रहे। 1000 के गए सिलेंडर मिल रहा है, 100 रुपये में पेट्रोल डीजल। अच्छा इधर से ले रहे हैं इधर से निकाल रहे हैं। खिपका दे हवा जब तो हो जाए 10 तारीख के बाद। राम मंदिर के नाम पर 1000 रुपये का सिलेंडर नहीं खरीदिएगा? नहीं तो राम मंदिर बना तो वो अच्छा किया, वो तो देव को किया। हाँ। देव आपको का नाम बड़ा किया है तो सिलेंडर महंगा नहीं खरीदेगा? तो हवा तो निकल रही है हमारी। हवा कैसे निकल रही है? हवा नहीं निकल का अब फट गया काल ली ने तो खिसक गए। और राम मंदिर उन अयोध्या जी बनी ठाड़ी तो उनका काम है आवे हमारी। तो वो हर जगह थोड़ा है जी जो है कि नहीं सरकार की इन्हें बच्चा की नहीं जो कार मतलब आप मोदी योगी जी के खिलाफ हैं, योगी को बदल रहे हैं? नहीं हम तो वोट दे करके आए योगी को।
तो फिर कायला सिलेंडर से हवा निकल रही है, सिलेंडर से हवा निकल रही है, महंगाई के मारे सिलेंडर से निकल बहुत घाघ है जनता, जो कह रही वो कर नहीं रही है। क्या नाम है आपका? अश्वनी अवस्थी। अवस्थी जी, तो आप तो कमल खिलाए होंगे जी। जात से वोट थोड़ी ना दिया जाता है, जब अखिलेश की गवर्नमेंट बनी थी तब हमने सपा को भी वोट दिया था। इस बार किसको दे रहे हैं? इस बार तो बीजेपी को दिया है। काहे? उनके विकास की जो रफ्तार है वो ज्यादा अच्छी दिख रही है। ये तो कह रहे हैं कि 1000 में सिलेंडर में हवा निकल रही है, आप कह रहे हैं अगर 1000 का सिलेंडर हो सकता है तो आदमी को ये भी अपने ध्यान में रखना चाहिए कि 4 किलो राशन भी तो उसे फ्री मिल रहा है, उसमें कम कर लीजिए। फ्री का जनता के पैसा से जनता को मिल रहा है, जनता के पैसे से जनता, जब जनता ही खरीद रही है सिलेंडर, वही पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, वही जनता आपके बीच ला रही है। लेकिन गवर्नमेंट ला रही है आपके बीच में, आप ये तो देखिए कि गवर्नमेंट आपके लिए कितना ज्यादा अच्छा करती जा रही है। पहले के समय के अनुसार आज की गवर्नमेंट जो है ये योगी बाबा की, उत्तर प्रदेश को एक चाल एक समान सभी को आगे बढ़ा रही है। न कोई ठाकुर साहब SPDM बन के बैठे हुए हैं, हर थाना में से जो ठाकुर है। नहीं ऐसा नहीं, डेटा है मेरे पास, यादव जी भी मिलते हैं, हम ट्रक ड्राइवर हैं, 22 कलेक्टर और 22 जिले में SP ठाकुर है, पासी चमार भी मिलते हैं हमें दरोगा। दिल्ली वाले तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर में बन नहीं रहा, हम नहीं मानते हैं। कितना पढ़े लिखे ब्राह्मण ठाकुर? हम बीए किए हुए। बताइए बीए किए हुए पंडित जी तो नौकरी मिली कि नहीं? आपका अगर शुरू से बचपन में जो व्यापार समझ में आया था सीखा वही करते हैं। बीए पास करके ड्राइवरी क्या करोगे? तब इतनी बेरोजगारी थी, जब हमने बीए किया था तब कांग्रेस का समय था, बीजेपी नहीं थी। ये देखिए भाई साहब, ये लॉजिक है, ये लॉजिक जो है ना ये बड़ा ताकत है, बोलने की ताकत जो है ना वो बड़ी चीज होती है। तो पंडित जी लोग कहीं भी रहेंगे अच्छा बोल लेते हैं। अरे आप लोग भाग कह रहे हैं, आप लोग वोटर नहीं है क्या? क्या नाम है? संदीप है। क्या करते हैं? ठेकेदारी करते हैं बोरी प्लास्टिक लाइन में। मतलब इस बार क्या होगा, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? देखो किसकी जाती है सरकार, आप किसका चाहते हैं? अरे जो इसकी चल रही है वैसे चलेगी। काहे? भाई वो अच्छा कर रहा है जनता के लिए, उसका भाई उसको जीतेगा भाई। तो ये है, मैं फिर कह रहा हूँ वोट उसी पैटर्न पे हो रहा है जिस पैटर्न पे अमूमन हर साल होता है। लेकिन एक बात है कि जो जो सपा या बसपा के वोटर है वो साइलेंट है, वो बात नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। जो बीजेपी के वोटर है वो बहुत वोकल हैं, वो अपनी बात भी कहते हैं, मजबूती से कहते हैं। मीडिया TV जो है वो बीजेपी के साथ है, इसलिए आप अंदाज़ा मत लगाइए कि क्या होगा। जैसे जैसे आप ग्रामीण इलाकों में बढ़ेंगे, चूँकि SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मायावती अखिलेश में अगर एक जगह कहीं OBC का वोट पड़ता है तो आपको नतीजे चौंकाने वाले मिलेंगे। फिलहाल सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो योगी जी के साथ बने हुए हैं, और मंदिर और मस्जिद, जो मंदिर का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, जो हिंदू मुस्लिम की कोशिश है, वो भी काम कर रहा है, उस पर भी वोटिंग हो रही है। एक बड़ा तबका है उसको लगता है कि धर्म के नाम पर वोट भी बहुत ज़रूरी है। कुछ भी साफ नहीं है, 10 मार्च तक का इंतज़ार कीजिए, आपको अंदाजा तभी पता चल पाएगा कि आखिर UP की जनता क्या कर रही है। जनता बहुत खुल के कुछ बता भी नहीं रही है, लेकिन वोटिंग पैटर्न वही है जो हम लोग आपको बता रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी का जो वोट है वो बंट रहा है, जनरल कैटेगरी के जो वोट है वो एक मुश्त एक जगह जा रहा है। कौन सा विधानसभा है ये? बिठूर जी जी, कानपुर देहात जी जी जी, नगर नगर में, देहात नहीं है ये शहर है, नगर है, कानपुर नगर, बिठूर विधानसभा, विधानसभा नगर में लगती है, नगर में। पलड़ा बहुत कमजोर है आपके यादव जी। अरे हमारा कमजोर कैसे है जो है? सपा उपा दिख नहीं रहा। अरे सवाल ही नहीं, जहाँ है वहाँ दिख रही, जहाँ नहीं वहाँ नहीं दिख रही जो है। ये तो वर्चस्व अलग होता है कि जहाँ जे खैर समर्थन है वही का मिली, और जहाँ जहाँ BJP है उन BJP की मिली, जहाँ उसका है उसका मिलेगी, और किस समर्थन वाद है दूफर भीतर जब बटन दबा दे तो समर्थन वाद है दूफर। क्या क्या? अच्छा बोलने के लिए कुछ बोल रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, उन बटन दबती है तब दाबे का हिनाए बाहर कहाँ डारे वहाँ वही में डारो। अब तो लोग कह रहे हैं कि बटन दबाओ कहीं जाएगा कमल पर, तो वो तो गलत है, वो दुनियादारी बताओ थे सब लोकल भ्रामक है, गलत लोकल है ये बात। आई नहीं हुआ था कि जब हम हार गए ना तो हार जाए में यहाँ एक बांध लगा। नाम बताइए पहले। शैलेंद्र कुमार तिवारी। तिवारी जी क्या बोले, आप समझाइए हिंदी में। आदमी पत्नी के पास ना जाए, बच्चा हो जाए तो बिना बटन दबाए गुलाजी मोर में
मशीन है उसमें तो गड़बड़ी हो सकती नहीं हो सकती है, आदमी गड़बड़ी हो जाती है। रेड लाइट देखे हैं, रेड लाइट हम सबको दी गए, तू तो फिक्स रहता है ना कितना देर हरा है कितना। बताना नहीं कि हमने क्या क्या नहीं देखा है, हम सब कुछ देख चुके हैं, कुछ कहने काबिल नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होना है, खाली सुनते रहो, बकते रहो, देखते रहो, अत्याचार देखते रहो, कहीं कुछ नहीं पाओगे। अत्याचार योगी यूपी में राम राज, आप अत्याचार कह रहे हैं। सुन लो, तुम बहुत आदमी बता चुके हो, ठाकुर ब्राह्मणा जिस दिन देश से भाग जाएगा तो ये मर्दों का शहर हो जाएगा, इंडिया हमारा हो जाएगा। भगा कौन देगा? भगा देंगे पाकिस्तानी। पाकिस्तानी है कौन? ब्राह्मण है जो गांव में टहल रहे हैं, बड़ा भूख जाए। भारत में पाकिस्तानी भी कोई रहता है? कहने रहता है। कौन रहता है? अरे जो जिसके जेब में पैसा नहीं है वो रहता है, खिलाओ हाथ ये पैसा, हाथ ये पैसा, किस उसको सिंगार किसी से मतलब क्या है? जिसके घर में चूल्हा जलता है उसको बनी औकात मालूम है, जिसकी गोदी सोनी होती है। पाकिस्तान कौन, पाकिस्तानी कौन रहता है भारत में? अरे यार कितने वहाँ तो दलाली हो रही है, मतलब किसको कह रहे हो? पाकिस्तान मारने वाले गुलाम उजाड़ देश मार का, वहाँ जब तक सूरज चांद रहेगा तब अटल बिहारी का नाम रहेगा, बाबा रे माननीय अटल बिहारी बात पेगा। कितना पढ़े लिखे हैं हम, कहा नहीं जमते पढ़े कहीं नहीं थे स्कूल में, स्कूल ही नहीं नहीं कहना है काहे? अरे हमारी मजबूरी है, नहीं नहीं कहना है, गरीबी रहा है कहा देना जो जाकर बताओ, घर में खाएंगे नहीं मजबूरी, मजबूरी करेंगे यहाँ तो दुकान में खाए ना भैया। तो इतना बढ़िया बोल कैसे लेते हैं? अरे पैदा भेज बोलो, मेरे पापा से बोलो, पापा से बोलते क्या करते हैं? ठेला चलाओ, ठेला ठेला चलाओ, ठेला चलाते हैं इतना नींद नार भूख ड्राइवर, मतलब बुरा ना मानना कोई, नींद नार भूख ड्राइवर भंगी फौजी नर रहो नाई नो घर नो दुआ नो लड़के नो बच्चा नो गुंडा मोबाइल को दलिए खूरी पहने लिखो रहे चोर चुना रो ड्राइवर भंगी फौजी में हमारा आगा कौन ड्राइवर? आज भंगी इस गली में झाड़ू लगा रहा है फौजी, आज श्रीनगर में है, श्रीलंका में है ड्राइवर, आज झांसी होकर कत्ता रो रहे भंगी बोलिएगा केस हो जाए। नहीं नहीं ना 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 भंगी मतलब होता है आई लव यू, सबसे प्यार कर रहा है, सबकी गली देख रहा है, सब साफ कर रहा है। एसटी एक्ट में केस हो जाएगा तिवारी? एकदम नहीं है। अरे यो खांग दे, वो खांग दे, उनका कुछ नहीं है भाई साहब, काम कुछ नहीं है, खाली बोलते रहो बताते रहो बाकी कुछ नहीं आए। अब जवान बे हो गए ऊपर दबा गले दमाओ बाली नहीं करी, कहना क्या चाह रहे भैया? कहना चाह रहे जो सब ठीक है भाई, योगी बाबा ठीक है, मोदी बाबा ठीक है, अब ये सब ठीक है, बाकी जो क्या बना हुआ है तहाँ ढांसा हो, बाकी हम जाकर भैया ढांसो का हूँ ना सीधे योगी बाबा के पास ढांसा हो। सोचिए जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो स्कूल जाए या ना जाए लेकिन उनको बोलने की ताकत विरासत में मिली है, उनको घर से मिला है, परिवार से मिला है, और वो बहुत वोकल होकर बोलते हैं। सैंपल सैंपल है, हाँ सैंपल है भैया, सैंपल है। प्रोडक्ट कहाँ है? प्रोडक्ट ये सब दिल के अंदर भाई, मैंने हमारी भी दूध पिलाया, मैंने आपकी भी दूध पिलाया, बहन हमारी भी है, बहन आपकी भी है। आप लोग इतना होशियार कैसे हो गए? अरे गधे होशियार हो गए, गधा होशियार होता है, सब हम मीठा लाता है, चाचा को लाते हो शाम को हमारे गांव में, हमारे बहुत भाई लोग कहीं बैठे हैं, चाचा लोग, दादा लोग, भाई लोग, भतीज लोग, शाम के नाव हो ठाकुर हो पंडित हो यादव हो चमार हो लोहार हो, अब अरे मजना मैं कहता हूँ ठीक है पिताजी तू जात बहुत जाएगा मैं कचे। अभी भी आपको प्रणाम करते हैं सब बाकी लोग? अरे अरे पैर छूते हैं, ये पैर छू रहे, राम राम मोसड़ी के ब्राह्मण ऊपर है सबसे, अभी भी मानते हैं कि ब्राह्मण अभी सबसे ऊपर है, पैर छूना पड़ेगा तो देखा वो तो मानते हैं, वो तो मानते हैं, जब गाड़ी लोड होती है भाई वो बना रहना चाहिए, हमारी क्यों नहीं लोड है बताए भाई? आपने दारू तो बेचना शुरू कर दिया, दारू बिकवाई आपने, सब कुछ किया, बंद कराई बिकवाई, यहाँ से वहाँ चले जाओ 70। अच्छा इतना हमको राम कहानी में सुने, हमको बताइए योगी जी में क्या पसंद है? तुम जाओ, हम कुछ नहीं पसंद आए, योगी जी में क्या पसंद है? गुंडा सा भागा बचाओ, योगी जी गुंडा है यार, फिर वही बात भागने में पड़ो यार, योगी जी की सरकार में गुंडा भाग गया, बचाइए आप यहाँ से, गुंडा भाग गया। क्या नाम है आपका? अरे बोलिए बोलिए। विनय शंकर। विनय शंकर तिवारी। मैं चुनाव ड्यूटी आया हूँ यहाँ। अच्छा आप चुनाव ड्यूटी आए, कायला दिख रहे हो यार। तो ये देखिए, ये है समाज की, ये है वोकल होने का ताकत। इस देश में अभी भी जो एस सी एस टी ओ बी सी और माइनॉरिटी के लोग हैं उनको बोलना अभी भी नहीं आता है, पिछड़ापन है, पीढ़ी दर पीढ़ी का पिछड़ापन है, लेकिन डेमोक्रेसी ने उनको वोट देने का अधिकार दिया है और वो वोट तक बूथ तक पहुंचने लगे हैं, उसका असर भी आपको 10 मार्च को दिखेगा। बाकी आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं, अपना कमेंट जरूर दीजिए। एक सवर्ण सब पर भारी। हाँ हमारे बप्पा का मरे हो गए 5-7 साल, गाँव में हर एक भाई का जिसके नाम खेती हो गई उसका पैसा आ रहा है, मैं रोता हूँ तो मेरे यहाँ से नहीं होता, मेरा ही नहीं रहा है, फिर भी कहा था हर हर मोदी हर हर योगी, पैसा नहीं आ रहा है, गरीबी है, फिर भी हर हर मोदी हर हर मोदी हर हर मोदी, क्यों क्यों वजह? हमारे दिल में है जगह हर हर मोदी, देव चाहे देव सब कोई खाए दिखा रहा है, हम भूखे रहे, मतलब धर्म बचा पहला धर्म, मिलेगा तो खाएंगे नहीं यार, भूखे ही सो जाएंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, बाकी लोग चोरी करके खा रहा है, खाए उछा खा रहे, ये बात भैया कि जाओ 20 साल दे नहीं आ रहा, जब जाओ ये पैसा नहीं आ रहा हो, नहीं पैसा जा रहा होगा,
अपन बीमा सोचे इनकी बात को मैं बाद में समझाऊंगा। नाम बदल गया तो कहने उसका तुम्हारा राशन। अच्छा सही में स्कूल, सही में स्कूल नहीं गए यार भरे गाय गाँव के भाइयों से पूछ लो वो एकदम औंठा छाप है। अरे पूछा सुनो पूछो नहीं पूछो। सोचिए औंठा छाप पंडित जी समा बांध दिए और सबको चुप करा दिए। चुप का जब गवर्नमेंट पिक्चर चलती है तो कोई नहीं बोलता पिक्चर देखते तो कोई अधिकारी आता तो नंगे हो गया जाता है वो टांग फाड़ा हमारे गांव का जब जाइए। तो ये भी एक चुनाव का जायका था जो आपको कानपुर से दिखा रहा था और ये बिठूर विधानसभा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अभी बहुत देर लगेगी, अभी जब तक डेमोक्रेसी रहेगी अभी 100 साल लगेगा इस देश में सबको बराबर आने में। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कानपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।